अपना सुदर्शन रावत जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी लीडरशिप में राजस्थान में बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ है। एक तरह से टीम राजस्थान ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, जिसमें हमारे सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे एजुकेशन के, हेल्थ के सारे वर्कर्स हैं, और आपके साथ साथ हम सभी 200 विधायक, पक्ष विपक्ष के सभी लोग मिलकर के इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम फाइट कर रहे हैं सर। और फूड ग्रेन्स को लेकर के, खाद्यान्न को लेकर के राजस्थान सरकार ने सर होम डिलीवरी कराई है, वो अच्छा स्टेप था। और तकरीबन रूरल एरिया में 75% लोग NFSA में शामिल हैं सर, परंतु जो नॉन NFSA हैं सर, जिन लोगों को गरीब हैं परंतु NFSA में नहीं आ पाए किसी कारण से, या उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई हैं, उनका सर डिस्पोजल कराया जाए, एक तो मेरी डिमांड ये थी। दूसरा, अप्रवासियों को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है सर, कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करने की शुरू करी थी और गुजरात ने कुछ प्रवासियों को जबरदस्ती पुश इन किया और उसके कारण से अनप्लान्ड तरीके से बहुत सारे अप्रवासी आ गए जिनके हम टेस्टिंग नहीं करा पाए सर। ये एक बहुत बड़ा इशू है। राजसमंद ने एक मॉडल बनाया है, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, हर पंचायत के आदमी को जो बाहर से आ रहा है उसको वहां रखने की कोशिश की है, परंतु सर इनकी अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, अगर इनकी टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग हॉटस्पॉट एरिया से भी आ रहे हैं, तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। दूसरा, MLA फंड को सर कोशिश किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले खाद्यान्न के लिए उसको फ्री किया था और अब क्वारंटाइन सेंटर्स बहुत सारे हो रहे हैं सर, तो क्वारंटाइन सेंटर्स में खाने की व्यवस्था करना एक बहुत महत्वपूर्ण इशू हो गया है, तो MLA फंड को उसके लिए फ्लेक्सिबल किया जाए। हेल्थ के लिए तो हम कर ही रहे हैं, टेस्टिंग हो ज्यादा से ज्यादा। एक मेरी एक और डिमांड थी सर कि हमारी जो लिकर शॉप्स हम खोल रहे हैं पूरे राजस्थान में, उसका टाइमिंग शुड बी एट पार टू द किराना शॉप्स। किराने शॉप को तो हम 3 घंटा खोले, 4 घंटा खोले, और लिकर शॉप को फुल टाइम खोले, तो थोड़ा सा डिस्पेरिटी रहती है सर, तो अगर इसको हम बैलेंस कर पाए तो एक अच्छा मैसेज पब्लिक में जाता है। और इसके अलावा जो भी हम लोग MLAs हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स को देखने के लिए और हम सब लोगों को अपनी तरफ से लीड करके कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और बाहर से लाने में भी सर प्रायोरिटी हम लोग फंसे हुए को दें, बसे हुए को प्रायोरिटी नहीं दें, और जितना हो सके हम माइग्रेंट लेबर को भी नरेगा में सर कोई स्थान दे पाए सर किसी तरीके से, तो अच्छा रहेगा। और आपकी लीडरशिप में टीम राजस्थान ने शानदार काम किया और आपने एज अ कैप्टन ये प्रूव किया है कि पूरी टीम को आपने सबको साथ लेकर के चले हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर। जो मानने, उसके अलावा जो आप लोगों ने समस्या बताई है माइग्रेंट वाली, वो सबसे बड़ी समस्या है, उसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग। और आप लोग भी चाहें तो अपने लोग जो आप पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा आपको कहीं 2 लाख कहीं 1.5 लाख लोगों ने मांग की आने के लिए, तो 6 महीने लग जाएंगे ट्रेन में आते आते। तो अगर आपके पास में कोई ऐसे नाम हो क्षेत्र के, उनके टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, 500 लोग, 700 लोग, 1000 लोग आना चाहते हैं वहाँ से, ट्रेन लगवा देंगे उनके लिए, खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं उनके नाम अलग से दे दीजिए आप लोग। उन लोगों की एक लिस्ट बढ़ा के दे देंगे कि जो छोटे दुकानदार हैं, एक कमरे में वहाँ 10-10 लोग ले रहे हैं, अब उनके पास ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी। आप ठीक कह रहे हो, जो आपको देंगे आप, तो ताकि आप उसमें गंभीरता से लेकर के उनको पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ठीक कह रहे हो, वो क्या स्थिति हो रही होगी अपन एहसास कर सकते हैं। छोटे कमरे भी होते हैं, कोई रास्ते में रुके हुए हैं, पास मिल गया उनको रास्ते में एक बार रोक दिया बॉर्डर पर, क्योंकि बिना पास के कई लोग आ गए थे, गांव में जा रहे थे, और अगर वो कोरोना और लेके आएंगे तो गांव वाले कहते रहे हमारे यहाँ क्यों आने दे रहे हो इन लोगों को, आपने झगड़ा भी नहीं हो, वो भी देखना पड़ता है। अब जाके सिस्टम बन गया है, आप जो नाम दोगे, आपके क्षेत्र के जितने भी लोग बाहर रहते हैं, आप मिल के दे दीजिए आप लोग, हमें आसानी हो जाएगी ट्रेन लाने के अंदर, जैसे आप कहोगे लेके आ जाएंगे उनको, सब इंतजाम कर देंगे उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए टॉप एजेंडा यही। धन्यवाद। धन्यवाद। अब ये आपके उधर